हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्रीज किचन। आज हम लोग पानी वाली फुल्की बनाएंगे, पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले पानी बना रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच अजवाइन ली है। छह काली मिर्च ली है और 4 लौंग लिया है। इसे मैं पहले पीस लेती हूँ। इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। मैंने इसमें तीखी वाली 5-6 हरी मिर्च ली है और हरे धनिए के पत्ते लिए हैं। अदरक 1/2 इंच और मैं थोड़ा सा बर्फ डाल रही हूँ और इसे पीस लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। पेस्ट को मैं बोल में निकाल लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है, 1/2 टेबलस्पून जलजीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून पानी पूरी का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 3 हरे धनिए के पत्ते, 2 स्वाद अनुसार नमक। थोड़े से पुदीने के पत्ते जिसे मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन बिना प्याज के भी बहुत अच्छा लगता है। और ये चटपटा पानी है तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। चुटकी हींग डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लूँगी। पानी हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। मैंने 1 कप पीली वाली मूंग की दाल ली है, 1 कप उड़द की दाल ली है और 1 कप इतना ही चने की दाल ली है। आप इसकी जगह बेसन के भी पकोड़े बना सकते हैं। मैं इसमें से पहले पानी निकाल देती हूँ। तीनों दाल को मैंने 2 घंटा भिगोया है और इसमें अभी मैं 5-6 तीखी वाली मिर्च डाल रही हूँ। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। आधा इंच अदरक डाल रही हूँ।
और बिना पानी के ये दाल पीस लूंगी। मैं एक चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसे दरदरा पीस लूंगी। इसे मैं एक बोल में निकाल लूंगी और सारी दाल इसी तरह पीस लूंगी। नमक डाल रही हूँ, मैंने हिमालयन सॉल्ट का यूज किया है। और दरदरा चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। और अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। आप देख सकते हो कितना फ्लफी हो गया है बैटर हमारा। अब मैं इसके पकोड़े बना लूंगी। मैंने पानी वाला हाथ करके मैं पकोड़े बना रही हूँ। तेल पहले से मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। मैंने 2 घंटे दाल भिगोई थी। आप सिर्फ चने की दाल से भी बना सकते हो और मूंग दाल से भी बना सकते हो। पकौड़े हमारे पक चुके हैं, मैं इसे निकाल लूंगी। मैं पानी में डाल देती हूँ और इसी तरह सारी पकौड़ियाँ बना लूंगी। पकौड़े बना लिए हैं। आप देख सकते हो पकौड़ी हमारी कितनी फूल गई है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। होली स्पेशल ठंडाई के साथ मैंने आज पानी वाली पकौड़ी बनाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।